अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैर वाफियत से होंगे। मैं करता हूँ कि बहुत दिनों के वीडियो नहीं आई, प्रॉब्लम थी चैनल पे तो इस वीडियो नहीं आ सकी। तो आप देखने के लिए आज जो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइन का क्लास, डिज़ाइनिंग क्लास में आप पाएंगे कि उर्दू डिज़ाइनर में हम 14 अगस्त की पोस्ट किस तरह बना सकते हैं, जिस तरह ये मैंने बनाई है। तो आप लोगों ने प्लीज मेरी वीडियो को कंप्लीट देखना है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बआसानी मिल सके। आपने सबसे पहले इस चैनल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप जाने न्यू डिजाइन पे, न्यू डिजाइन पे आने के बाद आपने स्क्रब साइज लेना है। इसके बाद आपने आना है PNG में। आप यहाँ से बैकग्राउंड अपनी मर्जी का जो चॉइस करना चाहें आप चॉइस कर सकते हैं। नीचे भी बैकग्राउंड पड़े हैं, आपको समझाने के लिए जल्दी बनाऊंगा। तो मैं यहाँ से कोई भी लगा लेता हूँ अपने बैकग्राउंड, तो आपने वहाँ पे से अपनी मर्जी का लगा लेना, ठीक है। नीचे यहाँ पाकिस्तान पे मैं आके यहाँ से भी आपको पाकिस्तान मिल जाता है, और यहाँ पे भी थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पाकिस्तान मिल जाएगा। यहाँ से आपने अपनी मर्ज़ी का जो बैकग्राउंड लगाना है, मैंने पहले और डिज़ाइन के बनाए थे। जैसे ही आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे यहाँ नीचे बहुत सारे डिज़ाइन आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे और डिज़ाइन दिखा देता हूँ। यहाँ लिख लेते हैं बादल, मैं बादल लगा रहा हूँ। आप जो मर्जी चाहे अपने हिसाब से आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ से कोई डिज़ाइन उठा लेता हूँ, ये चलो फिलहाल इसको उठा लेता हूँ। मेरे नेट का इशू हो जाता है, लेकिन आपने सही अच्छे से वर्क आप जैसे करेंगे तो आप कर सकेंगे। यहाँ से इधर भी बादल लगा देता हूँ, और नीचे भी कोई PNG बादल पे आएंगे। यहाँ पे आपने सर्च करना है बादल, इन दोनों को लगाने के बाद फिर हमने न्यू पे क्लिक करके PNG में आना है और पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है। पाकिस्तान को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको PNG मिलेगी कंजाजम की और अलामा इकबाल की। तो आपने इनको PNG को थोड़ा छोटा करके यहाँ पे लगा देना है। इसी तरह एड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने अलामा इकबाल की PNG लगा देनी है। इसको भी थोड़ा सा छोटा कर दें, ये आपने सुकून से करना है और एडजस्टमेंट करनी है। मैं तो जल्दी जल्दी मैं बना रहा हूँ। उसके बाद नीचे आपने फिर PNG में आकर आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। पाकिस्तान को सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और मैं कुछ चीज़ लगा देता हूँ। फिर मैं ये लगा देता हूँ, इसका साइज थोड़ा कम कर देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, सेंटर में डाल के एडजस्ट करके इन सब को फिर हमने लेयर में जाके लॉक कर लेना, ताकि जब हमारा डिज़ाइन हो फिर आप PNG में जाकर आपने यहाँ पे लगा देना है पाकिस्तान लोगों को।
फिर आप अपने पाकिस्तान का झंडा लगा दें आप यहाँ पे। जंग जंग लगाने के बाद इसका थोड़ा सा रंग कम कर देते हैं यहाँ से। इसको यहाँ एडजस्टमेंट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमने लेयर में जाना है, लेयर में जाने के बाद इसको मीनार पाकिस्तान के नीचे कर देते हैं, ठीक है। इसको भी नाक लगा देते हैं और इसको भी नाक लगा देते हैं, ये इस तरह लग जाएगा। और उसके बाद हमने फिर आने एन ओ पे, PNG में आते हैं। और PNG में आने के बाद हम यहाँ से जश्न आज़ादी वाला लोगो लगा सा आप लिख भी सकते हैं और मैं सिर्फ लगा देता हूँ, ठीक है। आपने लिख देना कोई मसला नहीं, आप लिख सकते हैं। जी इसका साइज थोड़ा कम करके और इसको एडजस्टमेंट कर देते हैं यहाँ से, यहाँ पर इसका थोड़ा साइज कम कर देते हैं। थोड़ा साइज फिर भी कम कर देते हैं, अलाइनमेंट में जाकर सेंटर कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ से और PNG उठा लेते हैं। इसका साइज भी थोड़ा कम कर लेते हैं हम इसको यहाँ पे। ये तो मैं वैसे लगा रहा हूँ, अब जहाँ चाहे इसको लगा सकते हैं, अगर ना लगाना चाहे तो वो भी आप मर्जी लगा। चलो इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा दिया मैंने। इसके बाद अगर आप अपनी पिक्चर लेना चाहते हैं यहाँ से, आप अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं यहाँ जो नीचे। यहाँ अपना नाम भी लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहेंगे। तो मैंने इतना बनाया, आगे आप जो आप पिक्चर लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। सिर्फ एंड पे आके आपने गैलरी में जाना है, यहाँ पे गैलरी में आने के बाद यहाँ पर पिक्चर भी अपने लगा सकते हैं, ठीक है। जहाँ भी आप पिक्चर लगाना चाहते हैं वहाँ लगा सकते हैं और उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने इसलिए शॉर्टकट कर रहा हूँ क्योंकि जो है ना वीडियो लंबी हो रही है। अब जो कुछ भी टाइप करना चाहें कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जल्दी वीडियो बनाएंगे।